We met the Election Commission on a very frivolous complaint that was filed by the NCPCR. We met the Election Commission on a rather frivolous complaint that had been filed by the NCPCR that is meant to protect children's rights. And instead, they are actually indulging in electioneering and all sorts of bogus allegations. The commission headed us out, and of course, Jairam Rameshji is going to brief you further, but this was a frivolous complaint, and we have actually filed a counter complaint against the BJP and its functionaries on how they are using children in a malified way and in a rather perverse order. And so I think let Jairam Sirji introduce. हम आज चुनाव आयोग के सदस्यों से मिले हैं और हमने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन हुआ है ना कोई मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है। तो हमें समझ में नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन की ओर से हमें क्यों नोटिस आई। हमने एक डिटेल में एक दस्तावेज पेश भी किया है कि जिस बचकानी हरकत एनसीपीसीआर की ओर से हुआ है, एक जो शिकायत आई है कि बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ एक पेंटिंग कंपटीशन में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राहुल गांधी जी 15 मिनट गए थे और अभी कहा जा रहा है कि बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में। कहाँ बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है? लोग हज़ारों में आते हैं रोज सड़कों पर, माताएं आती हैं, पिता आते हैं, परिवार के साथ आते हैं बच्चे, और सब लोग सेल्फी खींचना चाहते हैं राहुल जी के साथ। उसमें कोई गैरकानूनी काम तो है नहीं, किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, कोई चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी बच्चों को नहीं बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट दीजिए। और हम ये कहते हैं कि पहली बार 2007 में ये जो बाल अधिकार के लिए एनसीपीसीआर का गठन हुआ था, यूपीए के समय में विशेषज्ञों ने इसकी अध्यक्षता की, पहली बार मोदी सरकार के कार्यकाल में एनसीपीसीआर की अध्यक्षता एक आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और ये बचकानी हरकत शिकायत कर रहे हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, लाखों में लोग आ रहे हैं, लाखों बच्चों फ़ोटो लेना चाहते हैं राहुल जी से और राहुल जी उनको स्वीकारते हैं। एक और बात, अगर दुरुपयोग हुआ है बच्चों का वो बीजेपी की ओर से, जिस तरीके से सोशल मीडिया में जब राहुल जी छोटे छोटे लड़कियों के साथ मिलते हैं, उसका जिस तरीके से वो प्रचार हो रहा है और जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, एक समय तो उन्होंने अपने बहन की बेटी के साथ जो एक फ़ोटो था उसको, उसका दुरुपयोग हुआ, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ये एक और मिसाल है बीजेपी की ओर से, घबराई हुई है, परेशानी में है, भोकलाई हुई है और कुछ भी करेगी भारत जोड़ो यात्रा को डैमेज करने के लिए, पर भारत जोड़ो यात्रा चलता रहेगा। सर, चुनाव आयोग ने क्या कहा? जयराम सर, चुनाव आयोग ने क्या कहा? सलमान जी हमारी पार्टी को जो उनकी तरफ से जो भी दस्तावेज भेजे गए उसका हमने पूरा जवाब दे दिया है और हमने स्पष्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन को अपने ही जो उनकी कार्यप्रणाली है उसको सुरक्षित रखने के लिए दूसरी जो भी संस्थाएं हैं उनको अपना काम इलेक्शन कमीशन को दे देना उचित नहीं होगा। वो अपना काम स्वयं करें, अगर उन्हें कहीं पर कोई आपत्ति किसी से है तो वो उस पर अपनी कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन सिर्फ लोकतंत्र और इलेक्शन के संदर्भ में आता है और अभी इलेक्शन का संदर्भ नहीं है, इसलिए हर चीज़ को यहाँ भेजकर इलेक्शन कमीशन के पावर्स को डाइल्यूट करना ये उचित बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा सर? कोई तर्क नहीं, उन्होंने कहा कि हम आपका इस पे रिस्पॉन्स चाहते थे,
आपने जो रिस्पांस दिया है उसको हम विस्तार से स्टडी कर रहे हैं, हमने पढ़ा है और उस पर हम आपको लिखित रूप से अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हमने चुनाव आयोग को ये फोटो भी दिया है, यहाँ है हमारे प्रधानमंत्री और एक बच्चा है, थोड़ा मुझे यहाँ प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, यहाँ बच्चा है, बच्चे के पास भी दाढ़ी है प्रधानमंत्री के माफी, और बच्चे पर भी कमल का चिन्ह है शॉल में। अगर बच्चों का अधिकार का दुरुपयोग हुआ है तो यहाँ प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री बच्चों से मिलते हैं और कहते हैं जलवायु का परिवर्तन नहीं हुआ है, हम लोग बदले हैं, जलवायु नहीं बदला है। ये क्या ज्ञान देते हैं प्रधानमंत्री बच्चों को? इस पर बहस होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसी फजूल की बातें NCPCR की ओर से कि बच्चे के साथ सेल्फी ले रहे हैं राहुल जी और बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। और हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है, आप NCPCR को कहिए वो अपना काम सही ढंग से करें। ये देखिए, ये बड़े प्रधानमंत्री और ये छोटे प्रधानमंत्री, ये देखिए।